नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फैमिली फ्रेंड्स के साथ खुश होंगे और कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में नया ज़रूर सीख रहे होंगे, क्योंकि ज़िंदगी का नाम है चलते रहना और कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखना। तो सुबह का टाइम है, लगभग 11 बज चुके हैं। अगर आपको यहाँ से घड़ी दिखाई दे तो पूरे 11 बज चुके हैं और अभी जैसे कि समर सीज़न जो है वो पूरे चरम पर है। बहुत भयंकर गर्मी होने लगी है नॉर्थ इंडिया में और बहुत तेज़ गर्मी की वजह से अब सब कुछ काम जो है ना करना इम्पॉसिबल सा हो गया। देखो बाहर कितनी तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह 9 बजे ही इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि पूछो मत। और बच्चों का जो समर वेकेशन है ना, गर्मियों की छुट्टियां, वो भी स्टार्ट हो गई है। और लाइट जला लेती हूँ, गर्मियों की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई है तो सब कुछ अब लेट होने लगा है, क्योंकि एक तो बच्चे उठते नहीं हैं, अगर बच्चे उठेंगे नहीं तो उनके लिए नाश्ता पानी ये सब कैसे बनेगा, ठीक है। और मैं फिर से परेशान हो गई हूँ अपने पैर दर्द की वजह से, तो मॉर्निंग की जो दवाई है अक्सर मुझे लेनी याद नहीं रहती, क्योंकि सुबह के टाइम मेरे पास बहुत सारे काम है, बच्चों को उठाना, ऊपर नीचे की साफ़ सफाई करना, और हस्बैंड अब तो जो टेरेस पर वाटरिंग का काम है ना वो हस्बैंड नहीं करते, मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि एक तो लेट उठते हैं, कोई भी नहीं उठता, हस्बैंड को भी उठाती रहती हूँ, वो भी उठ के नहीं देते हैं। और पीछे मेरा हेयर टोनर मैंने बनाया था वो रखा है, जिसको मैं स्प्रे करती हूँ, तो हस्बैंड भी नहीं उठते हैं। फिर मैं सोचती हूँ मैं ही अकेले उठ के क्या करूँ, जब बाकी सब घर वाले नहीं उठ रहे हैं तो मैं उठ के क्या करूँगी, नाश्ता किसके लिए बनाऊँगी, साफ़ सफ़ाई कैसे होगी, जब सब उठेंगे नहीं, चादर झड़ेगी नहीं तो साफ़ सफ़ाई कैसे होगी। आपके साथ भी अगर यही परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बस अब मेडिसिन ले लेती हूँ, सुबह का 1-1.5 घंटा, मतलब 10 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ 10-10:15 बजे तक कि नाश्ते का जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। मुझे बहुत सारा काम है ऑनलाइन जो मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ, आप सबको पता है कि चैनल काफ़ी सारे हो गए हैं, हर रोज़ वीडियो की एडिटिंग करना, वीडियो शूट करना, उसको अपलोड करना, बहुत सारा काम होता है। जो वीडियो बनाते हैं उन्हें पता है कि अगर आप 2 मिनट का भी वीडियो बना रहे हों तो उसके पीछे कम से कम 1-1.5 घंटे की मेहनत आपकी होती है। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो बन गया और हो गया काम नहीं होता, बहुत कुछ करना होता है। और इसी चक्कर में सुबह का नाश्ता, ये वो, वीडियो की एडिटिंग करना, टाइम पर वीडियो अपलोड करना, FB का देखना, बहुत कुछ करना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरी दवाई जो है वो अक्सर छूट जाती है। आज भी मैं 4 दिन के लिए दवाई ले रही, क्योंकि अभी मैं वॉशरूम गई थी तो वहाँ काफ़ी दर्द हुआ मुझे उठने में, पैर में, चढ़ने में, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ता है, तब मुझे ध्यान आया कि मैंने दवाई भी नहीं ली है। तो मॉर्निंग की दवाई जो है, मैं अक्सर डॉक्टर को बोलती हूँ प्लीज़ मुझे मॉर्निंग की दवाई मत दिया करो, लेकिन डॉक्टर कहते हैं देखो सारी दवाई अगर आप रात को ही लोगे तो जो 2 टाइम की या 3 टाइम की दवाई है वो कैसे चलेगी। तो अब ये 2 मेडिसिन है जो मुझे सुबह लेनी होती है और 2 शाम को 3 होती हैं, तो ये मैं ले लेती हूँ। और हेयर पैक में मैंने आज आप सबके लिए एक कमाल का 2 वीडियो हैं मेरे पास जो मैंने शूट करके रखे हैं हेयर से जुड़े हुए ही। अगर आप इस गर्मी में अपनी स्किन को, मेरी स्किन देख के बताओ, स्किन से जुड़ा हुआ प्लीज़ कोई वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत कुछ करती हूँ ज़िंदगी में अपने आप को बिज़ी रखने के लिए और आपको कुछ नया सिखाने के लिए। तो जो भी आपको मेरे चैनल पर देखने में अच्छा लगता है, स्किन से जुड़ा हुआ, हेयर से जुड़ा हुआ, रेसिपी से जुड़ा हुआ, DIY से जुड़ा हुआ, प्लीज़ कॉमेंट करें ताकि मैं उसी तरह की वीडियो आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको आपके चेहरे को साफ़ सुथरा और सुंदर इवन टोन करने का तरीका बताती हूँ। दही में लैक्टिक एसिड होता है, इसमें वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपके फेस पर अगर आप इसे अप्लाई करोगे तो आपके फेस में जहाँ कहीं झाइयाँ या दाग धब्बे हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, टाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, लटकी हुई स्किन को ये टाइट भी करेगा। इस तरह से मसाज ज़रूर कर लेना जो स्टेप आपको दिखा रही हूँ, और आपके चेहरे पे से दाग धब्बे भी हटाएगा, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके चेहरे की सारी परेशानियों को ख़त्म कर देगी। तो दही से अपने फेस को ज़रूर एक बार मसाज करके देखो, आपको भी कमाल हो जाएगा, मतलब पता चल जाएगा आपको कि क्या इसके बेनिफिट है। वॉश कर लिया मैंने और अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे अपना होममेड पैक। तो पैक के लिए मैंने यहाँ पर दही ले ली है और उसमें हम अपने किचन से लाएंगे आटा, आटे की ही ज़रूरत है बहुत ज़रा सा, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए अप्लाई कर रही हूँ, बना रही हूँ इसको। और यहाँ पर ज़रा सा मैंने आटा डाला, अच्छे तरीके से अपने फिंगर के हेल्प से मिक्स किया और अपने फेस पर अप्लाई कर लिया। आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से भी इसको मिक्स करके अपने फेस पर लगा सकते हो। तो 5-4 मिनट के लिए छोड़ देना और उसके बाद आप इसको मसाज करो, इतनी देर में अच्छी तरीके से सूख जाएगा
आटे में भी वाइटनिंग एंड टाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है, मतलब आप ये आपकी स्किन जो लटक गई है उसको ये टाइट करने में हेल्प करेगा, और आपके फेस पर जहाँ जहाँ कहीं दाग धब्बे हैं या फिर इवन टोनी है, मतलब कहीं पर चेहरा साफ सुथरा है कहीं पर बहुत सारे दाग धब्बे हैं, तो अगर आप इसको अप्लाई करते रहोगे हमेशा तो आपके फेस पर से जो झाइयाँ हैं दाग धब्बे हैं वो सब धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। मसाज कम से कम 5 मिनट ज़रूर करना, मैंने तो यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड में करके आपको दिखा दिया, उसके बाद मैंने फेस वॉश कर लिया और आप देख सकते हो चमक, हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ ज़रूर करना। अब चलो चलते हैं अपने बालों की तरफ को, बालों को भी तो लंबा करना है, घना करना है, काला करना है, मजबूत बनाना है, तो यहाँ पर मैंने घर में जो चावल होते हैं ना वही ले लिए हैं, लगभग 2-3 चम्मच के करीब होंगे। चावलों को वॉश कर लिया अच्छी तरीके से और 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें डाला है मेथी दाना। मेथी दाने में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके बालों को काला लंबा घना करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी नहीं पता या इसके गुडनेस नहीं पता तो गूगल करके देख सकते हो। अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब मैंने इस पानी को रात भर रख के नेक्स्ट डे मॉर्निंग वाली जो क्लिप थी वो मुझसे मिस हो गई है, मतलब आप इसको 10-12 घंटे के लिए छोड़ देना और नेक्स्ट मॉर्निंग आप चाहो तो इसे बॉयल करना, मैंने बॉयल नहीं किया था, बस सीधा अपने स्प्रे बोतल में भरा और सबसे पहले नंबर आया बेटी का, क्योंकि बेटी को मुझे लंबे बाल करने हैं, इस वजह से मैं सबसे पहले इस तरह की कोई भी रेमेडी यूज़ करती हूँ या बनाती हूँ तो सबसे पहले उसी के हेयर पर करती हूँ। अब उसके बाद आया नंबर मेरा, आप सभी जगह अच्छी तरीके से अपने हेयर पर अप्लाई करना है, रूट में ज़्यादा लगाना, रूट में अच्छे से लगाओ, उसके बाद लेंथ में लगाओ, 1 दिन में 2 से 3 बार लगाओ और 2 दिन के बाद आपको हेयर वॉश करना है, ऐसा नहीं कि फटाक से हेयर वॉश कर लो। हेयर वॉश करने के बाद लगातार 1 महीने यूज़ करो, आपके बाल लंबे हो जाएंगे, काला होना स्टार्ट हो जाएंगे, घने होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 दिन के बाद जब बेटी के हेयर वॉश मैंने किए थे उसके बाद आप देख सकते हो थोड़ा फर्मेंटेड ये हो जाएगा वाटर, आप चाहो तो इसे बनाकर रख सकते हो, 2 दिन लगातार इसको यूज़ करो और उसके बाद 3रे दिन फिर से बना लो, मतलब पूरे महीने आपको यूज़ करना है, 2 दिन 2 दिन 2 दिन करके बना सकते हो या पूरे 1 हफ्ते का बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, लेकिन जब हेयर पर अप्लाई करोगे तो प्लीज़ इसको 1-2 घंटे पहले बाहर निकाल देना, फ्रिज से निकालते ही सीधा डायरेक्ट अपने हेयर पर अप्लाई मत करना। बेटी लगी हुई थी अपनी मस्ती में बालों के साथ खेलती हुई, अगर आपको भी बालों को तेज़ी से घना बनाना है, लंबा बनाना है तो इस रेमेडी को 1 महीने लगातार यूज़ करो, उसके बाद आके फीडबैक चैनल पर जरूर बताना। आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, मिलते हैं।